प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने कई सारी योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार इन सालों में सरकार द्वारा कुछ अहम फैसले लिए गए, साथ ही कुछ बड़ी पहल भी की गई। मोदी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा? क्या सरकार वादे और उम्मीदों को पूरा करने में कामयाब रही? अब वक्त है आकलन का कि क्या सच में हमारा अच्छे दिनों का सपना पूर्ण होगा या यह सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। अपने इस आकलन में हम यह देखते हैं कि हमने क्या पाया, मोदी सरकार अपने किए वादों पर कितना खरा उतरी और आगे उसके क्या प्रयास है। इस आकलन में सबसे पहले उन योजनाओं को शामिल करते हैं जिसे मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में लागू करने में सफल रही। मोदी सरकार द्वारा सन 2018 तक किए गए कार्य। वर्क डन बाय मोदी गवर्नमेंट टिल 2018। सरकार ने बैंकिंग, बिजली, टैक्सेशन एवं व्यापार रैंकिंग समेत कई कार्यों में आसान सुधार लाने के लिए कई कार्य किए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जीएसटी का कार्यान्वयन। जीएसटी का कार्यान्वयन यह देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का इस साल का एकमात्र सबसे बड़ा कार्य। शुरुआती परेशानियों के बाद हाल के महीनों में जीएसटी के माध्यम से राजस्व संग्रह स्थिर हो गया, जिससे कहा जा सकता है कि जीएसटी बिल लाना एक बहुत अच्छा कदम था। करदाताओं की संख्या में वृद्धि। इस साल यानी सन 2017-18 में प्रत्यक्ष कर 2 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े पर पहुंच गया, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 18% अधिक हैं। सन 2016-17 में आयकर रिटर्न की संख्या 5 करोड़ थी, जबकि साल 2017-18 में यह 7 करोड़ हो गई। विदेशी निवेशकों के आकर्षण में वृद्धि। इस साल बाहरी निवेश को अट्रैक्ट करने में प्रगति हुई है। सन 2016-17 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह 60 अरब डॉलर से अधिक हो गया था, किंतु वित्तीय वर्ष 2018 के पहले 9 महीनों में भारत ने 20 अरब डॉलर आकर्षित किए। सरकार ने रक्षा और विमानन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में FDI सीमाओं को लिबरलाइज्ड बनाया। मजबूत अर्थव्यवस्था। मोदी जी ने देश में पहली बुलेट ट्रेन लाने के लिए जापान के साथ हाथ मिलाया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में 7% से अधिक की दर से बढ़ोतरी हो रही है, जो कि भविष्य के लिए सकारात्मक संकेतों में से एक है। इसके अलावा भी कई ऐसे कार्य किए गए जिससे देश की प्रगति हो। मेक इन इंडिया एवं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। सरकार ने आम लोगों को सीधे प्रभावित करने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया था। मेक इन इंडिया की घोषणा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में अपनी योजनाएं शुरू करें, जिससे रोजगार पैदा हो एवं अर्थव्यवस्था में योगदान हो सके। इसके लिए कई देशों ने संबंधित राज्य एवं केंद्र सरकारों के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने भविष्य के लिए रास्ता तय किया है। साथ ही ई तरीकों का प्रचार किया गया, जिससे 2020 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी शुरू होगी, जो कि भविष्य में सफलता का एक महान उत्प्रेरक साबित होगा। स्वच्छ भारत अभियान। जब यह पहल शुरू की गई तो लोगों द्वारा मजाक उड़ाया गया कि सरकार इस तरह के छोटे मुद्दों को महत्व दे रही है। हालांकि पिछले 2.5 सालों में इस पर गति तेज हुई है। बड़े शहरों ने स्वच्छता के महत्व को महसूस करना शुरू कर दिया है। रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर पहले की तुलना में काफी सफाई दिखाई देने लगी है। ग्रामीण भारत पर विशेष ध्यान। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सबसे सराहनीय योजनाओं में से एक रही है। जिस तरह से सरकार ने ग्रामीण महिलाओं तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने के लिए सामान्य महिलाओं से उनकी सब्सिडी छोड़ने की पहल की, यह बहुत ही सराहनीय रहा। कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं सुकन्या समृद्धि योजनाओं जैसी कई योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने 100% भारतीय गांवों में विद्युतीकरण की भी घोषणा की है। कीमत में कमी लेकिन रहने की लागत में वृद्धि। मुद्रास्फीति के आंकड़े सरकार के लिए अपनी पीठ थपथपाने का अवसर देने के लिए पर्याप्त अनुकूल है, लेकिन लोग एक ही भावना को साझा नहीं कर सकते। लगभग 66% लोग मानते हैं कि मोदी सरकार के 3 वर्षों में जरूरी चीजों की कीमतों और जीवन व्यय की कीमतों में वृद्धि हुई है। रोजगार निर्माण सबसे बड़ी चुनौती।
पिछले साल के सर्वेक्षण के मुकाबले नौकरी सृजन में सरकार के प्रयासों से नाखुश लोगों में 20% की वृद्धि हुई है। सरकार ने बुनियादी ढांचे के लिए सकारात्मक प्रभाव पैदा किया है और लोगों का मानना है कि सिंचाई, सड़कों और दूरसंचार क्षेत्र में बुनियादी ढांचा का विकास तेजी से हो रहा है। विमुद्रीकरण। भ्रष्टाचार और काले धन को बाहर करने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया, 500 और 1000 के नोट को बंद कर। यह मोदी जी द्वारा किया गया एक मुख्य कार्य था। सर्जिकल स्ट्राइक्स। एक सर्वे से पता चला है कि 81% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार के तहत दुनिया में भारत कमी छवि और प्रभाव में सुधार हुआ है। मोदी सरकार ने पड़ोसी देश पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। मोदी सरकार के द्वारा लागू की गई योजनाएं और अहम फैसले हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अधिक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।